दोस्तों आज है अपने पास स्कोडा स्लाविया 1 लीटर पेट्रोल इंजन और इस कार का आज मैं राइड रिव्यू करने वाला हूँ, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो कार अभी ऑन है और अब चलते भाई स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कार में आपको मिलते हैं 1 लीटर इंजन में 6 गियर्स और ये डाला अपन ने फर्स्ट में एंगेज किया। तो अभी आप सामने देख पा रहे हो भाई, देखो अपनी सेडन क्लास की कार है तो ग्राउंड क्लियरेंस मैक्सिमम कार्स का क्या होता है, कम होता है, लेकिन ये जो स्लाविया है भाई इसका 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और इस सेगमेंट में भाई सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको मिलता है। तो आप देख पा रहे हो भाई कितना सटीक तरीके से कार बराबर चल गई है अपने ऊपर। और 1 लीटर का इंजन है लेकिन भाई इसकी जो स्पीड है वो मैं आपको शो करता हूँ। तो अभी मैं एकदम खड़ी कर लेता हूँ गाड़ी को और 0 to 100 जो अपन चेक करेंगे। तो करते हैं भाई स्टार्ट। सेकंड गियर पे 85, 88, 91। थर्ड गियर में गाड़ी भाई 105 के ऊपर पहुंच गई है। 1 लीटर इंजन में भाई इतनी पावर स्कोडा स्लाविया प्रोवाइड कर रहा है भाई, गाड़ी कहीं से कहीं तक भी अंडर पावर नहीं है, बहुत ही शानदार पावर है। और ब्रेकिंग अगर अपन बात करें तो भाई देख लो 80 पे गाड़ी है तो बहुत ही जल्दी जो है गाड़ी कंट्रोल में आगे रुक गई है। तो नो डाउट भाई गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है काफ़ी सही है और पिकअप भाई बहुत शानदार है। लग्जरी की बात करें भाई तो गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है आगे की दोनों, ये भी भाई इसके क्लास में सबसे बेस्ट है। कार के एसी की अगर अपन बात करें तो भाई कार का एसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वेंटिलेटेड सीट इसमें प्रोवाइड की हुई है तो भाई गर्मी में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैंने ऑन करके रखा है तो भाई अंदर मतलब पीछे पीठ साइड से बैक साइड से काफ़ी सही लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी भाई स्वेटिंग वगैरह का इशू नहीं है। गाड़ी में भाई कंफर्ट का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ है और इसकी जो फ्रंट MID है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं काफ़ी प्रैक्टिकल है और मतलब जो इसका व्यू है भाई पूरा काफ़ी सही दिया हुआ है भाई। गाड़ी लेंथ में लंबी है लेकिन आपको चलाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये देखिए मैं कितने इजीली चला रहा हूँ। और स्टीयरिंग का अगर रिस्पांस देखेंगे तो स्टीयरिंग इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब आप सिंगल फिंगर से भाई इसको कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी सही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन मिल जाते हैं जो कि स्कोडा में स्टैंडर्ड, इसके अगर आप बेसिक मॉडल में भी जाएंगे तो आपको उसमें प्रोवाइड होता है। अभी ब्लोअर की स्पीड मैंने बिल्कुल लो कर दिया और अगर आप सुन पा रहे होंगे तो अंदर बिल्कुल भी जो है बाहर की आवाज़ नहीं आ रही है। इंजन और अंदर का जो इंसुलेशन है कैबिन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है।
और भाई सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी भाई, कार आपकी 1 लीटर इंजन मतलब 1000 cc की है, लेकिन इसका जो पावर है ना भाई वो नो डाउट भाई बहुत ही शानदार है। मतलब आप इसकी अगर इसको आप चला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और लोगों का भाई बहुत बड़ा डाउट रहता है कि यार जर्मन कार है, स्कॉडा है तो मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेंटेनेंस इसका टाइमली होता है और बिल्ट, और अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो भाई ये जो कार है भाई, जर्मन कार्स जितनी भी होती हैं, मतलब अपनी ऑडी वगैरह भी इसी जर्मन कार्स होती हैं, तो उसके हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो भाई काफ़ी बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। अगर इसको आप अगर कंपेयर करते हैं सुजुकी सियाज से या फिर वरना से, तो उनका भाई इसका कोई कंपटीशन नहीं है भाई उनके साथ, ये आपको चलाने के बाद ही समझ आएगा। और भाई जो एक बार स्कॉडा चला लेता है वो भाई स्कॉडा से प्यार कर लेता है। मतलब भाई मैं सुजुकी कार चलाता हूँ लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम इसको चला रहा हूँ, लेकिन मुझे भाई बिल्कुल मज़ा आ गया। मतलब प्रैक्टिकल कार है और प्राइस रेंज भी सेम, मतलब 16-17 लाख के अंदर इसका टॉप वेरियंट आ जाता है जो भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इसमें 1.5 लीटर इंजन का भी ऑप्शन रहता है आपके पास, अगर आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए तो आप 1 लीटर इंजन पर जा सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा पावर चाहिए तो आप 1.5 लीटर देख सकते हैं। दोस्तों ये थी अपनी स्कॉडा स्लाविया, आई होप आपको इसका राइड ड्राइव रिव्यू पसंद आया होगा, और बाकी इसका डिटेल रिव्यू चैनल पर पहले से अपलोडेड है तो आप चेकआउट करिएगा। और बाकी दोस्तों अगर आपको इस कार को परचेस करना है, फिर स्कॉडा की कोई भी कार आपको देखनी है या उसके टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप जगदीश मोटर्स पे विजिट कर सकते हैं जो कि अपने होशंगाबाद रोड पे लोकेटेड है। यहाँ का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।